ऑल जय यू कैसे हैं सभी विद्वान क्या हालचाल है आपके फटाफट फड़ से लाइव जुड़ जाए भाई एक बार शेयर कर दे ढंग से मन लगा के बढ़िया है ना सेशन को इज्जत दे थोड़ी सी अपने स्टेटस पे जो आपका स्टेटस होता है स्टेटस मतलब आपके पहचान जो होती है एक बार उस पहचान पर थोड़ी हमारी पहचान करें स्टेटस लगाएं है ना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें क्योंकि आज दोस्तों वो सेशन है जो इंटरेस्टेड भी है दिमाग खपाने वाला भी है मतलब सब चीजें हैं उसमें सर्वगुण संपन्न चैप्टर है पढ़ने में मजा आता है और नहीं समझ में आए तो दिमाग खराब भी होता दोनों है दोनों चीजें है ना चैप्टर है आकृतियों की गणना काउंटिंग ऑफ फिगर्स शानदार चैप्टर है बहुत गजब का चैप्टर है इसमें दोस्तों तीन चीज पूछता है एक तो पूछता है त्रिभुजों की संख्या को एक व्यवस्था देकर यह पूछ लेता है कि इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं? दूसरा पूछता है कि इसमें होते है। उन को पढ़ा के उन पे कैसे कैसे क्वेश्चन किस किस एग्जाम में पूछे गए हर एक क्वेश्चन से आपको वाकिफ करवाया जाएगा ताकि वही चीज है दोस्तों इससे पहले जो मैंने चैप्टर पढ़ाया बहुत बढ़िया शानदार लेंथी चैप्टर था कौन सा न्याय निगमन सेलोलिज्म उसका एक 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 क्वेश्चन कंटेंट लॉजिक से आपको वाकिफ करवाया गया तो वैसे ही चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको इस लाइव सेशन में भी इतना मैटर मिल जाएगा इतना भरपूर मैटर मिल जाता है कि आप एग्जाम में जाओगे ना तो कॉन्फिडेंट होकर जाओगे कि हां यार अपनी तैयारी अच्छी है कोई दिक्कत नहीं है, है ना और वही उसी जोश के साथ उसी सोच के साथ उसी स्ट्रेटर्जी पर काम करते हुए एक फिर एक चैप्टर पर डिस्कशन कर रहे हैं और एक ऐसा चैप्टर जिसको पढ़ने का हर स्टूडेंट का मन करता है हर स्टूडेंट ये सोचता है कि यार ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी आए तो टफ नहीं आए है ना शिवम चौधरी आप कहां से हो आपको ठंड नहीं लग रही क्या सर मैं कुचामन सिटी से हूं है ना नागौर जिले में पड़ता है राजस्थान स्टेट है और देश उसका भा, भारत देश में है ठीक है और ठंड की बात ऐसी है कि ये स्टूडियो है चारों तरफ से रूम बंद रहता है है ना तो इसमें ठंड लगने का सवाल ही खड़ा नहीं होता आराम से आदमी है ना रिलैक्स रहता है यहां पे तो आपको और कोई सूचना चाहिए शिवम चौधरी जी तो मैं और दे देता हूं है ना नहीं तो फिर अपन इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं एक बार शेयर कर दें भाई ठीक है और लाइक करने में कंजूसी ना करें क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन ऐसे ऐसे लॉजिक पढ़ाऊंगा दोस्तों अगर उसके बावजूद भी आप लाइक नहीं करते हो सेशन को शेयर नहीं करते हो तो इसका मतलब फिर आप महाकंजूस आदमी हो है ना कंजूस कौन से जो लाइक करने में पूरी की पूरी कंजूशी करते हैं ठीक है तो चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट पहले कंसेप्ट पर चर्चा करते हैं पहले के पहले लॉजिक पे बात करते हैं दोस्तों हम्म देखो सबसे पहले बात करेंगे इस अपन किस पर काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स सबसे पहले बात करेंगे त्रिभुजों की गणना पर एक बार के लिए मैं आपको पूरी चीज समझा रहा हूं आंसर कोई भी ना दे केवल सुन ले समझ लें कि अगर इस प्रकार की व्यवस्था आती है इस प्रकार का अगर डायग्राम बन जाता है तो उसमें कैसे त्रिभुजों की संख्या ज्ञात की जाती है एक बार शुरू के दो एग्जाम्पल में आपको अच्छे से समझा देता हूं ठीक है सबसे पहला देखो दोस्तों ये है एक ट्राइंगल दे रखा है अगला आपको पूछ रहा है कि बताओ इसमें कुल कितने त्रिभुज है तो यार एक चीज देखो आप इस त्रिभुज की ये जो नीचे वाली भूजा है उस नीचे वाली भूजा को इस सिर से अगला टुकड़े कर रहा है कर रहा है ना अगर टुकड़े करता है तो कितने त्रिभुज बनेंगे पहले पूरा काउंट कर लो देखो एक तो ये बड़ा वाला खुद बन गया एक त्रिभुज तो ये हो गया ठीक है उसके बाद में अगर अपन छोटे त्रिभुजों के बारे में और बात करें तो एक त्रिभुज देखो ये हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया इस प्रकार से इस व्यवस्था में दोस्तों कुल कितने त्रिभुज बन रहे हैं ठीक है कुल त्रिभुज बन रहे हैं तीन तीन त्रिभुज है कोई दिक्कत नहीं आराम से समझ में आने वाली चीज है लेकिन यहां से आपको समझना क्या है वो समझो आप अगर दो छोटे त्रिभुज आपस में मिलते हैं ना दोस्तों तो दो छोटे त्रिभुजों के मिलने से एक त्रिभुज का निर्माण होता है और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि दो त्रिभुजों के मिलने से एक वर्ग का निर्माण भी हो जाए कई बार ऐसा भी हो सकता है दो त्रिभुजों के मिलने से एक आयत का निर्माण भी हो जाए लेकिन यह कंफर्म है कि त्रिभुजों के या छोटी आकृतियों के मिलने से बड़ी आकृति भी कोई ना कोई एक निश्चित रूप जरूर लेती है तो दो तो सीधे सीधे ये हो गए और एक हो गया दोस्तों बड़ा वाला तो इस व्यवस्था में ओवरऑल कितने त्रिभुज है ओवरऑल तीन त्रिभुज बन रहे हैं सिंपल सा क्वेश्चन है आराम से समझ में आने वाली चीज है दूसरे वाले पे बात करते हैं देखो दोस्तों एक त्रिभुज तो ये है पहले छोटे छोटे ट्राइंगल काउंट कर लो एक त्रिभुज आपका ये है दो और एक त्रिभुज ये है तीन तीन त्रिभुज तो हो गए ये। अब मैंने आपको क्या कहा अब मैंने आपको ये कहा कि दो त्रिभुज आपस में जब मिलते हैं ये वाला और ये वाला ये दोनों त्रिभुज मिलेंगे तो दोस्तों एक बड़ा वाला ये भी तो त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा तीन तो छोटे हो गए और एक बड़ा ये खुद हो गया त्रिभुज अभी तक कितने हो गए चार ऐसे ही आप इससे आगे चेक करो काम खत्म थोड़ी हो गया आगे चेक करें तो देखो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज ये दोनों मिल गए तो इनके मिलने से भी एक त्रिभुज बन गया ये बन गया ठीक है कितना हो गया पांच और एक ये खुद बड़ा वाला हो गया बोलो हुआ कि नहीं हुआ ऐसे करके इस वाली व्यवस्था में कुल कितने त्रिभुज बन गए छह त्रिभुज बन गए दोस्तों कुल कितने बन गए छह त्रिभुज बन गए लेकिन अब सीधा सीधा समझते हैं देखो इतनी माथापच्ची अपन नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन इतना नॉर्मल नहीं आता है क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाता है थोड़ा स्टैंडर्ड टाइप क्वेश्चन बनाता है उसके बाद में आपको पूछा जाता है इतना नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आता और दोस्तों इस क्वेश्चन पर अभी वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर राजस्थान में ग्राम सेवक की वैकेंसी चल रही है प्री एग्जामिनेशन की एग्जाम चल रही है चार शिफ्ट हुई है पहली जो शिफ्ट थी ना कल की सुबह दस से बारह वाली उस शिफ्ट में इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है ठीक है अब सीधा सीधा देखो कैसे गिने आप एक काम करो नीचे वाली जो आपकी भुजा है ना उसके कितने टुकड़े हो रहे हैं वो देख लो नीचे वाली भुजा के दो टुकड़े हो गए इसको एक नंबर दे देता हूं इसको दो नंबर दे देता हूं दोनों क्रमांकों का अगर आप जोड़ोगे ना तो इनके जोड़ने से भी आपको सीधा सीधा इसमें कुल कितने त्रिभुजा उनकी संख्या प्राप्त हो जाएगी सिंपल वेरी सिंपल मेथड बिल्कुल इजी है वैसे ही यहां पर नीचे वाली जो भुजा है उसके टोटल तीन टुकड़े हो गए तीनों को नाम दे दिया एक नंबर दो नंबर और तीन नंबर और इन सभी क्रमांकों को जोड़ दिया तो इस व्यवस्था में कुल त्रिभुज प्राप्त हो गए कितने छोड़ ऐसे ही यहां से ये वाली जो व्यवस्था है इसमें नीचे वाली जो भुजा है उसके कितने टुकड़े हो रहे हैं जितने टुकड़े हो रहे हैं सारे टुकड़ों को क्रमांक दे देते हैं एक दो तीन चार और पांच और इन सारे के सारे क्रमांकों को अगर आपस में जोड़ दोगे तो जोड़ने से इस व्यवस्था में उपस्थित कुल त्रिभुजों की संख्या प्राप्त हो जाएगी पांच चार नौ तीन बारह दो चौदह और एक पंद्रह इस व्यवस्था में दोस्तों ओवरऑल कितने त्रिभुज है पंद्रह त्रिभुज है बात समझ में आ गई क्या इतनी कोई डाउट है है तो बोल दो अगर इतनी बात समझ में आ गई तो फिर चलते हैं अगले कंसेप्ट में चलिए अब देखो थोड़ा सा बदलाव हो गया थोड़ा सा चेंज हो गया सेम टू सेम स्थिति वो की वो है लेकिन मामूली चेंज है वो चेंज क्या है आप एक काम करो एक बार के लिए जो नीचे वाला त्रिभुज है ना नीचे वाली भुजा के साथ जो ट्राइंगल बन रहा है ये वाला इसमें कुल कितने त्रिभुज है वो ज्ञात कर लो एक दो और तीन तो इस वाली वे व्यवस्था में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई छ हो गई ठीक है इस वाली स्थिति में छह त्रिभुज है तो दोस्तों दूसरा वाला ये इसके ऊपर जो स्थिति बन रही है यार कौन सी वाली ये वाली जो स्थिति बन रही है ये भी तो सेम टू सेम इसके जैसी है केवल आकृति तो बड़ी छोटी है बाकी स्थिति तो वो की वही है इसमें भी वही इस भुजा के तीन टुकड़े हो रहे तो यहां भी त्रिभुज कितने बनेंगे छह बनेंगे ठीक है और ऐसे ही आप ये देख लो कि इससे नीचे वाली जो भुजा है

नीचे वाले में त्रिभुज कितने हो गए एक दो तीन और तीन छ अगर छह त्रिभुज नीचे वाली के है, तो अब ये देख लो ये लाइन कितनी है यहां पे इसको खुद को इंक्लूड करना है खुद को गिनना है एक दो और तीन अगर एक लाइन पे छह त्रिभुज बन रहे हैं तो तीन लाइनों पे अगर वो तीनों की तीनों लाइन एक जैसी है बराबर बराबर टुकड़े हो रहे हैं तो तीन लाइनों के कुल कितने त्रिभुज बनेंगे अठारह त्रिभुज बन जाएंगे दोस्तों बात समझ में आ गई कि नहीं आई सतबीर सिंह 19 कहां से बना रहे हो भाई 19 कैसे बन जाएंगे यार हैं और एक ही है भाई 29 बना रहा है 29 भी नहीं बनेंगे भाई देखो अब इस वाली में देख लो नीचे वाली जो बुजा है उसके कुल कितने टुकड़े हैं एक दो तीन और चार चार पार्ट हो गए चारों को क्रमांक दे दिया वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर तो चार तीन सात सात दो नौ नौ और एक दस अब आप ये देखो दोस्तों सारी के सारे डायग्राम एक जैसे ही तो है या अलग अलग है एक जैसे है ना तो लाइन काउंट कर लो एक लाइन ये हो गई एक ये हो गई एक ये हो गई एक ये हो गई एक ये हो गई एक, हो गई. एक दो तीन चार और पांच दस दस त्रिभुज बनेंगे पांच स्थितियां हैं सेम टू सेम तो ओवरऑल जो त्रिभुज बनेंगे वो कितने हो जाएंगे पचास कितने त्रिभुज बन जाएंगे पचास त्रिभुज बन जाएंगे दोस्तों समझ में आई कि नहीं आई अरे भैया समझ में आ गया क्या कोई समस्या है क्या किसी को नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से अगर नहीं है समस्या तो अब थोड़ा सा आपको अप्लाई करना सिखाते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन का आप आंसर बताएं कितना होगा ऑप्शन नहीं दूंगा पूरे काउंटिंग ऑफ फिगर्स पूरे के पूरे चैप्टर में ऑप्शन नहीं डालूंगा केवल आपको बताना होगा मैंने तरीका समझा दिया तरीका समझाने के बाद अब आपको आंसर बताना। इसका आंसर कितना होगा ठीक है ये वाली पहले पहले इस फिगर का बताओ केवल एक का इधर वाली फिगर जो है शुभम कुमार एग्जाम कब है अभी कोई अपडेट नहीं है शुभम भाई जैसे ही कोई अपडेट होगा आपको इंफॉर्मेशन इन्फोर्म, दे दी जाएगी हाथों हाथ अब इस वाले जो स्थिति है ना इस डायग्राम में आप ये बताओ ओवरऑल कितने ट्राइंगल बनेंगे बाबा जी गुड इवनिंग अरे दोस्तों अगर समझ में आ रहा है मजा आ रहा है तो यार थोड़ा शेयर करो अकेले मजा ले रहे हो लक्ष्य दही पकौड़ी खा लो आप खाओ लक्ष्य भाई साहब हम भी खाएंगे आपने खा लिया तो हम खाए हुए माने जाएंगे चलिए दीप्सा का आंसर आ गया फोर्टी वन अशोक सिंह दस त्रिभुज कैसे होते अरे यार अशोक दस त्रिभुज देख ऐसे होते पूरा गिण के बताऊं देख ऐसे होते दस एक दो ये तीन अब गिनना अशोक भाई बाकी आप इन दोनों के आंसर बताओ ये अशोक भाई है वो इधर ध्यान दो देख एक त्रिभुज ये दिख रहा है दो दूसरा ये दिख रहा है तीसरा ये दिख रहा है चौथा ये दिख रहा है दो दो के मिलने से एक ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा अशोक भाई पांच फिर इन दोनों इन दोनों के मिलने से एक यह दिख रहा है छ फिर इन दोनों के मिलने से एक ये दिख रहा है सात अब एक काम करो तीन तीन को मिला लो दो, दो को मिला लिया ना तो अब तीन तीन को और मिला लो इन तीन को मिला देते हैं एक दो तीन मिला देंगे तो ये लो आठ और इसको छोड़ के फिर एक दो तीन इन तीन को मिला देंगे ये नो और एक बड़ा वाला खुद दस हां अशोक सिंह समझ में आ गया कि नहीं आया आराम से पूछ सकते हो कि चीज पूछ लो आराम से समझा देंगे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है लेकिन समझ में आनी चाहिए पहला जो डायग्राम है दोस्तों उसमें ओवरऑल कितने त्रिभुज बनेंगे अगर वो देखने हैं तो एक काम करो पहले नीचे नीचे वाली जो भुजा है ना उसमें देखो कितने त्रिभुज बनेंगे एक दो तीन चार और पांच पांच टुकड़े हो गए तो त्रिभुज कितने बनेंगे पांच चार नौ तीन बारह दो चौदह और एक पंद्रह इस वाली स्थिति से मतलब बड़ा वाला ये जो ट्राइंगल है ना इस ट्राइंगल से त्रिभुज बन जाएंगे कितने अब आ जाओ नीचे वाली को छोड़ दो इससे ऊपर देखो ये वाली ये खुद भी तो एक ट्राइंगल है और इसको कितनी भुजा काट रही है अलग अलग काउंट कर लो क्या दिक्कत आ रही है यार एक दो तीन और चार टुकड़े हो रहे हैं इसके चार टुकड़े हैं तो यहां से कितने त्रिभुज बनेंगे चार तीन सात दो नौ और एक दस यहां से दस त्रिभुज बनेंगे फिर आप देखो एक ये त्रिभुज है इस भुजा से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अगर ये त्रिभुज है तो यहां से कुल कितने त्रिभुज बन जाएंगे वो काउंट कर लो एक दो और तीन तो इस वाली व्यवस्था से त्रिभुज कितने हैं और अब आप ये देखो दोस्तों ये ऊपर जो है ना ये वाला ये खुद भी तो एक त्रिभुज है ऊपर इस भुजा को पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक मिलाया हुआ है या नहीं है अगर यहां से लेकर यहां तक मिलाया हुआ है तो केवल साइज का फर्क है बाकी ये वाली और बड़ी वाली दोनों आकृतियां सेम है चाहो तो गिन के देख सकते हो ठीक है एक दो तीन चार और पांच कुल कितने त्रिभुज बनेंगे पंद्रह बाकी ये और वो दोनों सेम है तो अब काउंट कर लो कितने हो गए देखो पंद्रह प्लस छ प्लस दस प्लस पंद्रह ऐसे करके ओवरऑल इसमें कितने ट्राइंगल बन गए 46 सिक्स ट्राइंगल बन गए दोस्तों समझ में आया कि नहीं है? कोई डाउट है किसी को क्लियर है ना अब इसमें काउंट कर लो इस वाले में काउंट करो इसमें कितने बनेंगे इसमें सबसे पहले नीचे वाली में देखो एक दो तीन चार पांच और छह नीचे वाली जो लाइन है उसमें छह बार कट रहा है नीचे वाली भुजा छह बार कट गई तो कुल कितने त्रिभुज बन गए त्रिभुज बन गए दोस्तों छह पांच ग्यारह चार पंद्रह तीन अट्ठारह दो बीस और एक इक्कीस अगर इक्कीस त्रिभुज यहां से बन रहे हैं तो इक्कीस ही त्रिभुज यहां से बनेंगे इस वाली से भी इक्कीस बनेंगे क्यों क्योंकि दोनों सेम चीज है कोई फर्क ही नहीं है इक्कीस यहां से बन गया और इक्कीस कहां से बन गया यहां से बन गया योगेश चौधरी नहीं लिख रहा है भाई क्यों समझ में नहीं आया क्या इसको देख लो चीज एक ही है दोनों देखो ये लाइन भी पूरी है ये लाइन भी पूरी है पूरी है तो इससे भी इक्कीस है इससे भी इक्कीस है अब आप ये देखो इससे ऊपर वाली जो लाइन है ये वाली इससे त्रिभुज कौन सा बन रहा है देखो ये वाला बन रहा है ये त्रिभुज बन गया तो इसमें कुल कितने त्रिभुज बनेंगे वो काउंट कर लो एक दो तीन और चार चार बन रहे मतलब चार क्रमांक है तो चारों को जोड़ दिया कितने त्रिभुज बन गए चार तीन सात दो नौ और एक दस इसमें दस त्रिभुज बन गए वैसे ही आप यह देखो कि यहां पर भी तो एक ट्राइंगल बन रहा है कौन सा वाला देखो यह वाला बन गया कि नहीं बड़ा अब आप इसमें देखो कितने टुकड़े हो रहे हैं टुकड़े चेक कर लो एक दो तीन इसमें केवल तीन टुकड़े हुए दोस्तों एक दो और तीन ही टुकड़े हो रहे हैं तो यहां त्रिभुज कितने बनेंगे छह बनेंगे ऐसे करके इस वाली व्यवस्था में कुल कितने त्रिभुज बन गए दोस्तों कुल देखो बन गए 21 नीचे यहां भी 21 यहां 10 और यहां पर 6 21 21 बयालीस दस बावन और 6 अट्ठावन इस व्यवस्था में ओवरऑल 58 एट ट्राइंगल बनेंगे अब आप यह बताओ यह चीज आपके समझ में आई कि नहीं आई सत्तावन ट्राइंगल कौन बना रहा है भाई क्यों गलत कर रहे हो यार सत्तावन कैसे दिख रहे हैं आपको अट्ठावन नहीं दिख रहे क्या दीव राजपूत गलत बता रहे हैं छप्पन योगेश चौधरी गलत बता रहे सत्तावन टिकमा राम चौधरी भी गलत बता रहे हैं सत्तावन अरे भाई सत्तावन कैसे दिख रहा है आपको कहां दिख एक कम कौन सा काउंट कर रहे हो आप है? समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ आप अगर आ गया तो फिर उस क्वेश्चन पे लेके चलता हूं जो कल ग्राम सेवक में पूछा गया था अगर ये वाला समझ में आ गया तो कल जो ग्राम सेवक में पूछा गया है उसमें उस पर लेके चलता हूं दो भाइयों का आंसर गलत आ रहा था उनके समझ में आ गया क्या चलिए लीजिए समझ में आ गया तो यह है कल का विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर शिफ्ट जो फर्स्ट है चार शिफ्ट में एग्जाम कंप्लीट हुई है पहली शिफ्ट में यह क्वेश्चन आया हुआ है और इसमें पूछा था कि बताइए इसमें कुल कितने त्रिभुज बनेंगे अनिल कुमावत अलगपुरा के समझ में नहीं आया अनिल कुमावत अनिल कुमाउत मेरे हिसाब से अब ये भी सेशन में आए हो यार मुझे ऐसा लग रहा है क्यों लग रहा है ये बात बताइए कुल कितने ट्रायंगल बनेंगे अनिल भाई समझ में आ जाएगा थोड़ी देर सेशन ज्वाइन रखो थोड़ी देर सब्र करो समझ में आ जाएगा लोकेश नायक का 16 आ रहा है संदीप चौधरी का 16 आ रहा है सोलह आ गया अब देखो भाई बिल्कुल समझ लो देखो कैसे आपको अभी भी मैंने एक ऐसी स्थिति पढ़ाई ये कि अगर इस भुजा को नीचे वाली भुजा को काटा गया है तो जितने टुकड़ों में काटा गया उतने टुकड़ों का क्रमांक लिख दो इसको एक नंबर और इसको दो नंबर ऐसे अगर और भी टुकड़े होते तो आगे से आगे और क्रमांक लिख देते और इन सबको अगर जोड़ देंगे तो ऐसी व्यवस्था में कुल कितने त्रिभुजा उनकी संख्या प्राप्त हो जाएगी तो आप एक चीज सोचो यार सेम टू सेम वो की वही तो स्थिति बन रही है कि नहीं बन रही है बन रही है कितने त्रिभुज बन जाएंगे तीन तीन त्रिभुज तो बन गए यहां से फिर यह वाली भी तो सेम टू सेम वो की वही कंडीशन बन गई या नहीं बनी अगर बन गई तो यहां से भी कितने त्रिभुज बन गए तीन उसके बाद और देखो आप ये वाली भी तो सेम टू सेम वो की वही कंडीशन बन गई या नहीं बनी बन गई ना बन गई तो इसके भी कितने त्रिभुज होंगे तीन और फिर ऐसे ही अगर आप ऊपर और चले तो आप यह देख लो कि ये वाली भी कितने त्रिभुज होंगे तीन ऐसे करके ये जो त्रिभुजों से त्रिभुज बन रहे हैं ना यहां पर ओवरऑल त्रिभुज कितने बन गए तीन तीन छह तीन नौ तीन बारह कुल त्रिभुज बन गए दोस्तों बारह अब आप ये देखो कि बारह तो बन गए किसमें त्रिभुजों में लेकिन आप एक चीज और चेक कर लो कि इस चतुर्भुज में तो कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है बिल्कुल बन रहा है बारह के बाद एक ये बन गया तेरह एक ये बन गया चौदह एक ये बन गया पंद्रह और एक ये बन गया सोलह ऐसे करके इस व्यवस्था में ओवरऑल त्रिभुज कितने बन रहे हैं ओवरऑल त्रिभुज बन रहे हैं सोलह बोलो अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ अगर समझ में आ गया हो तो दोस्तों एक क्वेश्चन इसका देखो और लिखवाता हूं आपको आप कोशिश करो बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा आराम से कर सकते हो हर एक स्थिति बताएंगे आपको हर चीज समझाएंगे टेंशन करने की जरूरत नहीं है रेगुलर सेशन में बने रहो इसको मिस मत करो ठीक है आराम से हर एक चीज समझ में आ जाएगी एक स्थिति बता रहा हूं अब आपको क्या करना है इसमें ट्राइंगल बताने है, मुझे ओवरऑल कितने ट्राइंगल बनेंगे ये लो इस वाली व्यवस्था में ट्राइंगल बताओ दोस्तों कितने बनेंगे ये इस पर लास्ट कंसेप्ट है अगर ये चीज समझ में आ जाएगी तो फिर नई टाइप सीखेंगे इसमें बता दो ओवरऑल कितने त्रिभुज बनेंगे अगर आपके समझ में आ गया आराम से बताओगे डेफिनेटली करो पूरी पॉजिटिविटी के साथ करो आराम से समझ में आ जाएगा यार ऐसा सेशन जब चलता है तो उसमें तो लाइव की बोछार होनी चाहिए आप लोग शेयर नहीं कर रहे आज सुमेर लाल का आंसर आ गया थर्टी फाइव सोनू सुतार का थर्टी फाइव अभिषेक का चालीस सुखपाल का बत्तीस लक्ष्य का पैंतीस लकी प्लान ओनली नो वाई आर दीव राजपूत पैंतीस कल्पेश मावी का तेरह कृष्णाराम का पैंतीस करदान सिंह का पैंतीस सागर वर्मा पैंतीस नीतेश बामू का दो वाह नितेश भाई साहब कहना ही क्या लाजवाब हो आप तो है ना अल्टीमेट हो आप यूनिक हो हाँ जी अब देखो आप समझ लो सबसे पहले नीचे से स्टार्ट हो जाओ दोस्तों नीचे वाली ये बुझा है इसके टुकड़े कितने हो रहे हैं वैसे एक दो तीन चार और पांच टुकड़े हो रहे हैं लेकिन यह चीज भी इसमें चेक करने की होती है कि जो पांच टुकड़े करने के लिए चार लाइन ड्रॉ की गई है क्या वो चारों लाइन ऊपर वाले शीर्ष को टच कर रही है क्योंकि अगर ऊपर वाले शीर्ष तक नहीं जाएगी बीच में टूट जाएगी तो वो ट्राइंगल कैसे बढ़ाएगी जैसे ये लाइन है ये लाइन यहां बीच में ब्रेक हो गई ब्रेक हो गई तो बताओ ये ट्राइंगल कैसे बना देगी नहीं बढ़ सकता ना नहीं बढ़ सकता तो इसके टुकड़े कितने एक दो तीन चार केवल चार टुकड़े ये पूरा एक ही टुकड़ा है क्यों क्योंकि ये लाइन इसके किसी काम की नहीं है बीच में टूट चुकी है ये त्रिभुज बनाएगी नहीं इस लाइन से आप त्रिभुज बना सकते हो क्या नहीं बनेगा <coughs> तो नीचे वाली स्थिति से तो त्रिभुज कितने हो गए दोस्तों दस अब ऊपर वाली चेक करो इससे ऊपर वाली लाइन पे चले जाओ ये रही ऊपर वाली लाइन इससे कितने टुकड़े एक दो तीन और चार चार टुकड़े करने के लिए तीनों लाइन ऊपर तक जा रही है कोई दिक्कत नहीं है बीच में ब्रेक नहीं हो रही है तो यहां से भी कितने त्रिभुज हो गए लाइन है कौन सी वाली इससे ऊपर वाली लाइन पे जाओ दोस्तों ये वाली लाइन ये वाली लाइन यहां तक है और इसको एक दो तीन और चार भाग में ब्रेक किया है चार भाग में तोड़ने के लिए जो तीन लाइन है तीनों की तीनों लाइन ऊपर तक है कहीं कोई लाइन टूट नहीं रही है तो यहां से भी कितने त्रिभुज बन गए दस ऐसे करके इस वाली व्यवस्था से ओवरऑल केवल तीस त्रिभुज बनेंगे कैसे बना देंगे यार समझ में नहीं आया जिन्होंने पैंतीस आंसर कर रखा है उन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया क्या कि ये लाइन बीच में से ब्रेक हो गई नीचे वाली में छह होगा <coughs> लोकेश नायक छह कैसे होगा कहां बनाएगा त्रिभुज बता भाई अरे छह क्यों यार एक ये तो है ही ये पूरा तो है ही है एक दो तीन और चौथा टुकड़ा ये पूरा है तो छह नहीं होंगे दस होंगे <coughs> अशोक सिंह चालीस बता रहा है चालीस नहीं हो गए भाई अशोक लाइन ही तीन है तो चालीस कैसे हो गए और तीनों के तीनों लाइन से दस दस हो गए समझ में आ गया कि नहीं आया दीपसा नीचे वाले में छह होंगे अरे लक्की प्लान पूरा वाला एक इसमें गिन लिया ना इस वाली में ये पूरा वाला गिना जा चुका पहले ही ये जो टोटल करते हैं ना अपने देखो समझ लो लो इधर समझो आप एक दो और ये ये, ये लो तीन ठीक है एक दो तीन और चार इनको टोटल करते हैं। दस त्रिभुज बनते हैं ना उसमें ये खुद काउंट हो चुका है गिन लो आप अगर नहीं समझ रहे हो तो ठीक है एक दो तीन और चार एक बन गया इन दो के मिलने से देखो इन दो के मिलने से यह बन गया एक बन गया इन दो के मिलने से इन दो के मिलने से यह बन गया एक बन गया इन दो के मिलने से यह बन गया तो चार और तीन सात ठीक है चार तो यह है सात ही है अब देखो तीन तीन के मिलाने से एक और बन गया ये बन गया इन तीन के मिलाने से एक ये बन गया सात और दो नौ और एक ये खुद बड़ा वाला दस बोलो भाई समझ में आए कि नहीं आया अगर आ गया समझ में तो एक क्वेश्चन और बताते हैं देखो इसी टाइप का और बताओ देखे एक क्वेश्चन का आंसर और बताओ अगर समझ में आ गया तो अब की बार देख लेते हैं किस किस के समझ में आ गया चलो इस वाले को करना है लो इसमें बता दो बढ़िया सवाल है जानदार क्वेश्चन है और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अकॉर्डिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज समझते जाओ आप हर चीज बढ़ाओ ये आ, ये लाइन बीच में से ब्रेक हो चुकी है <coughs> आराम से बनाओ धीरे धीरे गलती मत करो गलती करोगे फंस जाओगे जल्दबाजी मत करो पहले लाइन पकड़ लो उसके टोटल कितने टुकड़े वो दे, वो देख लो वो टुकड़े करने के लिए जो लाइनें हैं वो लाइनें ऊपर तक जा रही है कि नहीं जा रही है वो देख लो अगर कोई लाइन बीच में से टूट गई तो उसको हटा दो वो टुकड़ा नहीं होगा लकी प्लान बारह शायद गलत बारह भी लिख दिया यार शायद गलत भी लिख दिया यार ये क्या कर रहा है करदम सिंह तीस सुखपाल इक्कीस बताइए बताइए आराम से करो कोई दिक्कत नहीं है जल्दबाजी नहीं है क्योंकि अब मैं कंसेप्ट चेंज करूंगा लक्ष्य का बयालीस आ रहा है सीडी डार्क गेमर इक्कीस आ रहा है अशोक सिंह का चौदह आ रहा है मनोज परगी का तीस <coughs> मनोज चोलक तैयलीस अभिषेक का बाईस सुमेर का इक्कीस सोनू सुथार अड़तीस नवप्रीत का बारह अनिता खद्दा तीस सुनो कुशवा तीस समझ के बार हो गया लेवल है सर क्लास का लेवल तो रखना ही पड़ेगा भाई नहीं तो छोटी मोटी चीजें या नॉर्मल नॉर्मल टेक्निक तो हर कहीं सिखा देंगे आपको क्या दिक्कत है शॉर्ट्रिक सिखा दी आपको कुछ कर दिया उनसे क्या मतलब हुआ यार कम से कम प्रैक्टिकल बताओ कि क्वेश्चन ऐसा बनेगा वो चीज समझाओ आप है ना चलो आप देखो सबसे पहले नीचे वाली लाइन पे आ जाओ दोस्तों टुकड़े कितने हो गए एक दो तीन चार और पांच <coughs> पांच टुकड़ों के लिए लाइन चार है देखो यह है ये पूरी है ना पूरी है तो इसको काउंट कर लिया चलो एक ये वाली जो लाइन है यह पूरी नहीं है बीच में टूट गई कोई मतलब नहीं है कोई काम की नहीं है अपने ये वाली लाइन बीच में फिर टूट गई कोई काम की नहीं है यह वाली लाइन पूरी है तो देखो यह पूरा का पूरा है ना ये <coughs> ये पूरा एक ही ट्राइंगल होगा अपने नीचे वाली में काम का क्योंकि बीच में टूट चुकी है वो अपने किसी काम का नहीं है ठीक है तो ये पूरे को दो नंबर दे दिया और ये लाइन पूरी है तो ये तीन नंबर तीन दो पांच और एक इस वाली स्थिति में केवल छह त्रिभुज बनेंगे दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया हो गया चलो ऊपर आ जाओ अब इससे ये रही लाइन टुकड़े एक दो तीन चार और पांच पांच में से ये वाली लाइन देखो चार लाइन है पांच टुकड़े करने के लिए लाइन चार यह लाइन पूरी है ये लाइन बीच में टूट गई किसी काम की नहीं है ये लाइन बीच में टूट गई किसी काम की नहीं है वही एक दो और ये तीन अरे भाई ये पूरा पूरा एक ही टुकड़ा होगा किसी काम का नहीं है तो कितने त्रिभुज हो गए छह अब ऊपर वाली इस लाइन पे आ जाओ ठीक है ये वाली जो लाइन है इस लाइन के टुकड़े कितने हो रहे हैं पहले नीचे पार्ट चेक कर लो दोस्तों कितने हो रहे हैं पार्ट एक दो तीन पार्ट हो रहे हैं। है ना तीन पार्ट करने के लिए लाइन कितनी है इसके पार्ट देखो ऊपर ध्यान मत दो तीन पार्ट करने के लिए लाइन दो है ये लाइन पूरी ऊपर तक है लेकिन ये लाइन बीच में टूट चुकी टूट चुकी तो अपने किसी काम की नहीं है एक पार्ट पार्टी हो गया और पूरा ये दो पार्ट केवल दो ही भाग है इसके अरे भाई ये पूरा एक ही ट्राइंगल है देखो ये वाला तो इसमें त्रिभुज कौन से बनेंगे एक तो ये बन गया एक ये वाला बन गया और एक बड़ा वाला दो एक तीन अब आ जाओ इससे ऊपर ये वाली एक और दो केवल दो ही टुकड़े हो रहे हैं और दो टुकड़े करने के लिए बीच में एक लाइन है वो पूरी ऊपर तक है तो यहां से भी तीन और अब ये ऊपर वाली देख लो ऊपर वाली को टुकड़े जितने हो रहे हैं ना उतने सारे बढ़ेंगे क्योंकि इसमें कोई समस्या ही नहीं है <coughs> देखो एक दो तीन चार और पांच लाइन देखो एक दो तीन चार लाइन है चारों ऊपर तक है कोई दिक्कत नहीं है त्रिभुज कितने हो गए पंद्रह हो गए कुल कितने बढ़ेंगे छह छह बारह तीन पंद्रह तीन अठारह और पंद्रह तैतीस इस व्यवस्था में ओवरऑल थर्टी थ्री ट्राइंग ट्राइंगल है समझ में आया या नहीं आया ये बताओ आप थर्टी नाइन गलत बना दिया भाई थर्टी नाइन गलत हो गया गजब का सवाल था शानदार क्वेश्चन है आ गया क्या समझ में अड़तीस ममता भी भी गलत बना रहे हो अड़तीस कहां बढ़े तैतीस बढ़ गए बिल्कुल सबके समझ में आ गया अच्छे से आ गया समझ में तो करो लाइक इस बात पे है ना और बताओ ये क्वेश्चन और करवाता हूं देखे जब चीज पूरी समझ में आ जाए ना कॉन्फिडेंट हो जाए गदगद हो जाए बाढ़ बाढ़ राजी हो जाए ना तब कह देना कि सर अब समझ में आ गया अब आगे चलो हाँ काव्य चौधरी छह की जगह पंद्रह क्यों नहीं गिने ऊपर तक लाइनें देखो सारी बीच में ब्रेक नहीं होनी चाहिए छ की जगह पंद्रह आप तब गिनोगे तब सीधी सीधी सोट्रिक माइंड में रखोगे सोट्रिक तो अच्छी बात है सोट्रिक सीखनी चाहिए लेकिन केवल सोट्रिक से काम नहीं चलता केवल सोट्रिक सब कुछ नहीं है ये लो <coughs> इसका बताओ कितने होंगे सीडी डार्क गेमर समझ में नहीं आया अरे भाई आएगा यार कैसे समझ में नहीं आया शेयर करो शेयर करो सेशन को शेयर करो पंद्रह अब है ना इसमें है ना दिक्कत एक ही है कोई दिक्कत नहीं है इसमें धनराज मीणा नहीं आया वाह यार ये क्वेश्चन ही नहीं आया क्या दादा तेरे है। इसमें है ना बस देखने का फर्क है समझने का फर्क है अब उसको क्या करें अपनी, अपनी अपनी एक सोच है साइकोलॉजी है कि अपन इसको ऐसे ही देखेंगे कि यार अब की बार तो ऐसे गिन दी अब क्या करें अरे यार ऐसे क्यों देखते हो इधर से देख लो ना इसको यहां खड़े हो जाओ खुद यहां खड़े होके देखो इसको स्थिति तो वो की वही है है? केवल मैंने डायग्राम को उल्टा कर दिया उल्टा कर दिया तो एक दो तीन चार और पांच कुल त्रिभुज कितने पंद्रह सिंपल सवाल था लेकिन थोड़ा सा आपको स्थिति से वाकिफ करवाया कि कई बार डायग्राम को उल्टा भी कर सकता है इसलिए कंफ्यूज मत होना मोहित कड़वा सोलह कैसे आ गया भाई तेरा क्लियर है चलो आगे चलिए क्वेश्चन का पैटर्न करते हैं चेंज <coughs> त्रिभुज में त्रिभुज बना लिए अब वर्ग में त्रिभुज बनाते हैं देखो समझो आप आराम से पहले स्थिति को ये एक वर्ग है और इस वर्ग को एक डायगोनल वर्ग में एक डायगोनल दे रखा है एक विकर्ण दे रखा है तो इस विकर्ण से भी इसमें इस कितने त्रिभुज हुए देखो साफ साफ दिख रहे हैं इस विकर्ण से इसमें दो त्रिभुज हुए एक तो ये हो गया और दूसरा कौन सा त्रिभुज हो रहा है दूसरा इसके नीचे देखो ये हो गया इस वाली व्यवस्था से और इन दोनों के मिलने से याद करो मैंने आपको क्या बताया सेशन स्टार्ट करते ही शुरू में क्या बताया था शुरू में मैंने यह बता दिया था कि कई बार दो त्रिभुजों के मिलने से त्रिभुज भी बन सकता है तो चतुर्भुज भी बन सकता है अब यहां देखो दो त्रिभुजों के मिलने से चतुर्भुज बन रहा है अपने को त्रिभुज चाहिए तो केवल कितने त्रिभुज बने evenDay... <buddiesitures> दो ही त्रिभुज बने <heart Mussaltra> <considerable about> इसमें देखो एक तो यह बन गया सीधा सीधा दूसरा दूसरा यह बन गया दो तीसरा ये बन गया तीन तो दोस्तों इन दोनों के मिलने से भी तो त्रिभुज बनेगा इन दोनों त्रिभुजों के मिलने से एक ये त्रिभुज बन गया बड़ा कि नहीं बड़ा एक दो तीन और चौथा ये खुद ओवरऑल कितने ट्राइंगल बने चार बन गए बड़े या नहीं बड़े चलिए अगला समझो एक त्रिभुज देखो ये है दूसरा त्रिभुज देखो ये है और दोनों मिल गए तो दोनों के मिलने से एक त्रिभुज कौन सा बन गया दोनों के मिलने से एक त्रिभुज बन गया ये तीन त्रिभुज हो गए ना यहां कि नहीं हुए अब इसके बाद में और देखो आप इधर से चेक करो ये त्रिभुज गिन लिया एक त्रिभुज देखो ये हो गया हुआ कि नहीं हुआ और ये दोनों मिलने से एक त्रिभुज ये बन गया आया कि नहीं आया समझ में तीन और दो चार और एक पांच तीन और दो हो गए पांच अब एक त्रिभुज देखो कौन सा है एक त्रिभुज हो गया ये है ना और इन दोनों के मिलने से एक ये बन गया कितना सात और इन दोनों इन दोनों के मिलने से एक ये बन गया कितना आठ इस व्यवस्था में ओवरऑल कितने त्रिभुज बन रहे हैं आठ त्रिभुज बन रहे हैं समझ में आया कि नहीं आया राधिका कुमारी राधे राधे बोलो ना सर राधे राधे बोले ना बोल देंगे पहले ये तो समझ लो आप या पहले राधे राधे बोलो अब आप मुझे ये ये बात बताओ तो मैंने पूरा गिना दिया अरे सीधा गिन सकते हो दोस्तों इसको तो तो चाहते सीधा गिन लो एक, दो तीन और चार चार टुकड़े हो रहे एक इन दोनों के मिलने से बन गया 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 तो चार तो छोटे वाले हैं तो चार उन दो दो के मिलने से बन गए कितने हो गए आठ अब सुनो सीधा क्या करना है अगर किसी वर्ग के या किसी भी चतुर्भुज के टोटल चार टुकड़े हो जाए कम से कम कितने होने चाहिए चार तीन और दो में नहीं होगा चार के बाद में कितने ही हो बोले अगर उसके कम से कम चार टुकड़े हो रहे हैं तो उस व्यवस्था में कुल त्रिभुजों की संख्या होगी चार की डबल आठ जितने टुकड़े हो रहे हैं जितने पार्ट हो रहे हैं उन पार्ट का डबल होंगे उसमें ट्राइंगल दस कहां से बना दिया सोनम कुमारी सोनम कुमारी जी दस में कैसे बढ़ गए दस यार अच्छा <coughs> चार में दस आएगा क्या हाँ अब देखो आप एक दो तीन चार पांच ओवरऑल कितने पार्ट हुए दोस्तों ओवरऑल पार्ट हो गए पांच और अगर पांच पार्ट है मैंने कहा चार या चार से ज्यादा कितने हो ठीक है और कैसे भी हो बने उसमें टोटल ट्राइंगल कितने बनेंगे पार्ट जितने हैं उनके डबल बनेंगे तो इस व्यवस्था में कुल कितने त्रिभुज बन गए कुल त्रिभुज बन गए दस <laughs> राधिका कुमारी सर बहुत खडूस हो इसको खड़ूस नहीं कहते हैं है ना अगर आप इस शब्द को नाम खड़ूस देते हो इस स्ट्रेटर्जी को नाम खड़ूस देते हो तो गलत दे रहे हो क्योंकि जब कोई लॉजिक चल रहा है कोई कंटेंट चल रहा है तो उसको पहले कंप्लीट होने के बाद में आगे का काम किया जाता है आप भी समझते हैं अगर मैं बीच में आपके कमेंट पर ध्यान दूंगा ठीक है तो फिर यहां से लिंक टूट जाएगा दोबारा शुरू से समझाना पड़ेगा है ना और दूसरी चीज ये लाइव सेशन है एजुकेशनल सेशन है एजुकेशनल सेशन में चलो आपके कमेंट पढ़े जाते हैं आपको नमस्कार किया जाता है आपका अभिवादन किया जाता है वो इसलिए किया जाता है क्योंकि हमें ये लगता है कि यार हम अकेले इस रूम में है सामने कैमरा है और कुछ भी नहीं है वो तो हमारे लिए तो वो बहस के आगे भीड़ बजाना है तो हम टाइम पास कैसे करें अपना कम से कम आपके कमेंट पढ़ के ही तो करेंगे ना इसलिए आपके कमेंट का जवाब देते हैं अच्छे से आपसे बात करने का यही एक जरिया है आपकी आवाज तो पहुंचती नहीं है केवल कमेंट पहुंचते हैं ठीक है देखो ये वाली चीज क्लियर हो गई अब आप इसको समझो पार्ट कितने हैं एक दो तीन चार पांच और छह छह पार्ट हो गए मैंने आपको समझा रखा है दोस्तों अगर पार्ट चार या चार से ज्यादा है तो फिर गिनने की जरूरत नहीं है सीधा सीधा डबल कर दो इसमें ट्राइंगल कितने होंगे बारह होंगे कितने ट्राइंगल होंगे इसमें बारह ट्राइंगल होंगे ऐसे ही इसमें देख लो आप ये छोटी छोटी चीजें समझ में टाइम वेस्ट मत करो क्योंकि ये चीजें तो है ना ये तो लाइव स्टेशन कोई भी उठा लो अकाउंटिंग ऑफ फिगर्स का हर जगह पढ़ाया जाएगा लेकिन मेन चीज है इनके क्वेश्चन कैसे बढ़ते इनको अप्लाई कैसे किया जाता है अपने को वहां तक पहुंचना है। अब ये देखो दोस्तों एक दो तीन चार पांच छ सात और आठ पार्ट कितने हो गए पार्ट हो गए आठ चार या चार से बड़े पार्ट हैं तो ट्राइंगल होंगे डबल त्रिभुज होंगे जस्ट डबल अगर आठ पार्ट है तो त्रिभुज कितने हो गए दोस्तों सोलह हो गए सोलह चलिए अब आ जाओ ये तो स्थिति मैंने आपको समझा दी अब इसमें क्या कर दिया इसमें देखो दोस्तों दो वर्गों को आपस में मिला दिया तो एक चीज आपको समझनी है अगर दो वर्ग आपस में मिल गए ना कोई भी दो आकृति हो मैंने अभी क्या बोला था त्रिभुज वाले जो पीछे वाला कंसेप्ट पढ़ाया था उसमें क्या बोला था कि दो आकृतियां अगर आपस में मिलेगी तो कोई ना कोई कांड तो होगा है ना कोई ना कोई घटना तो घटेगी नॉर्मली नॉर्मल तो रह ही नहीं सकता कि कोई फर्क ही नहीं पड़ा यार फर्क तो पड़ेगा अगर फर्क ही नहीं पड़े तो दो आकृत के मिलने का क्या फायदा अब देखो पहले एक काम करो दोनों में अलग अलग काउंट कर लो कितने हैं इसमें एक दो तीन और चार <स्याँग> वर्ग में चार पार्ट है तो त्रिभुज हो गए त्रिभुजी आठ इस वाले में एक दो तीन और चार पार्ट है तो त्रिभुज हो गए चार दुनी आठ ये तो हो गए <स्याँग> अब आप ये देखो दोनों के मिलने से क्या हुआ जब ये दोनों वर्ग आपस में मिल गए तो आप ये सोचो क्या इनके मिलने से भी कोई कॉमन त्रिभुज बना क्या बिल्कुल बना कौन सा बना देखो एक ये बन गया और एक उल्टा ये वाला बन गया तो इन दोनों के मिलने से कितने त्रिभुज बने दो आठ आठ अलग अलग बन गए दो बन गए इनके मिलने से तो ओवरऑल त्रिभुज कितने बन रहे हैं दोस्तों ओवरऑल ट्राइंगल बन गए कितने अठारह अठारह त्रिभुज बन गए इसमें ओवरऑल समझ में आ गया अभी इतना समझ के नहीं रुकना है, अभी तो बहुत कुछ है आगे चलो आगे चलते हैं अब इसमें देखो कितने वर्गों को आपस में मिला दिया वर्ग तो दोस्तों दो ही है अरे एक तो ये हो गया एक तो ये हो गया और दूसरा वाला ये हो गया पहले एक काम करो आप पहले दोनों में अलग अलग देख लो कितने कितने ट्राइंगल बनेंगे ठीक है कितने कितने बढ़ेंगे इसमें एक दो तीन चार पांच और छह छह टुकड़े हो रहे हैं चार या चार से ज्यादा टुकड़े होते हैं तो ट्राइंगल जस्ट डबल बनते हैं इसमें ट्राइंगल कितने बढ़ गए बारह वैसे इसमें काउंट कर लो एक दो तीन चार पांच और छह छह टुकड़े हो रहे हैं तो इसमें भी ट्राइंगल छ का डबल जस्ट बारह अब दोस्तों देखो आप फर्क क्या है बस इस वाली और पीछे वाली आकृति में फर्क इतना ही है कि इसमें ये दो एक्स्ट्रा डाली हुई है। इन दोनों लाइनों के एक्स्ट्रा डालने से या इनके मिलने से अब क्या फर्क पड़ा वो देखो दोनों वर्ग मिल गए तो देखो ये दो तो फिक्स है ही नहीं है क्या भाई ये तो बन गए तो पहले ही तो हर जगह ही बनेंगे ये तो अब इनके अलावा और कोई बन रहा है क्या इनके अलावा कोई भी त्रिभुज नहीं बन रहा ठीक है ये दो ही बनेंगे एक तो ये बड़ा वाला और एक ये बड़ा वाला दो इनके मिलने से बन गए तो बारह बारह चौबीस और दो कितने हो गए छब्बीस ट्राइंगल बन गए इस वाली आकृति में कितने बन गए दोस्तों छब्बीस ट्राइंगल बन गए समझ में आ गया अरे नॉर्मल सी चीज है क्लियर हो गया ना कि नहीं हुआ बिल्कुल हो गया हो गया तो चलो इसमें बताओ कितने होंगे अब थोड़ा थोड़ा आपसे करवाते हैं अजय रोलानिया भाई साहब जीके की क्लास रोज नौ बजे होती है आपसे निवेदन है आप अब अपने कमेंट स्टॉप करें ताकि मैं जिनका आंसर है ना उनके कमेंट पढ़ सकूं जीके की क्लास नौ बजे है आप मेरे वाले क्वेश्चनों पे ध्यान नहीं दे रहे कोई बात नहीं लेकिन जीके क्लास नौ बजे तो आप नौ बजे पधार जाए ठीक है सर अब आप अपने कमेंट्स को विराम दे कृपया कर करके यह मेहरबानी करें हम पे इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। चौतीस चौतीस छब्बीस कविता प्रजापति छब्बीस गुजर के फोर्टी सेवन चौतीस वाह थर्टी फोर का बहुमत है लगभग थर्टी फोर आंसर है एक चेनाराम नाइक छत्तीस दे रहा है बाकी का चौतीस चल रहा है देखो आप पहले अलग अलग पार्ट देख लो यहां से ब्रेक हो रहा है एक वर्ग ये हो गया दूसरा वर्ग ये हो गया एक दो तीन चार पांच छ सात और आठ आठ का मतलब त्रिभुज हो गए आठ दूनी सोलह एक दो तीन चार पांच छ सात और आठ आठ है तो ट्राइंगल हो गए आठ दूनी सोलह बढ़ गए सोलह सोलह तो ये हो गए अब देखो दोनों के मिलने से क्या हुआ दोनों मिल गए तो दोस्तों दो तो आपको मैंने पहले ही बढ़ा के दे दिए एक तो ये वाला बढ़ गया और दूसरा यह वाला बन गया दो तो यह है ये लेकिन अब आप यह सोचो कि यह जो लाइन है ना इसकी ये वाली लाइन और इसकी ये वाली लाइन ये दोनों भी तो आपस में मिल गई आके नहीं मिली क्या मैंने कहा दो आकृतियां एक जगह मिलने से कोई ना कोई घटना जरूर घटित होती है तो ये दोनों लाइन मिलने से भी तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगी या नहीं होगी और वो गड़बड़ क्या होगी ध्यान रखना सी स्थिति दोनों लाइन मिलने पर ही होगी अदरवाइज नहीं होगी ये देखो लाइन मिलने से एक बन गया ये वाला और एक बन गया ये वाला दो बड़े बढ़ गए दो इनमें छोटे बढ़ गए मतलब अगर आडी लाइन आपस में मिलती है तो उनके मिलने से इन दोनों आकृतियों के मिलने से कुल कितने त्रिभुज बनते हैं चार याद रखना यह बात बार बार नहीं समझाई जाएगी ठीक है बार बार नहीं समझाई जाएगी अब क्योंकि अब अपन इनको एप्लीकेशन में ले जाएंगे अब अपन क्या करेंगे इन क्वेश्चनों को अप्लाई करना सीखेंगे तो सोलह और सोलह बत्तीस तो ये हो गए और चार इनके मिलने से बड़े दो देखो बड़े वाले दो बड़ा के चौतीस दोस्तों आपने इस बात पर ध्यान नहीं कि तो दो ओवरऑल कितने बन गए छत्तीस जेनाराम नाइक ने इसका आंसर सही दिया था ठीक है गणेश बिरट अब 38 बताने लग गया भाई 38 कैसे हो जाएंगे 38 का ऑप्शन नहीं होगा दादा 36 ही होंगे ठीक है गणेश भाई छत्तीस ही होंगे अड़तीस नहीं होंगे क्लियर टीना सुमन अड़तीस बता रहे हो आप अड़तीस अब दो कहां से लेके आ रहे हो धनराज मीणा फिर दो लेके आ गए अरे भाई दो नहीं होगा छत्तीस ही होंगे छत्तीस बढ़ गए आपके सामने सीधे सीधे इधर से बना रहे हो क्या आप उल्टे ये बड़े अरे ये तो इसमें बन चुके यार ऐसे क्या कर रहे हो आप ये ही बनेंगे एक तो ये बन गया और एक ये नीचे वाला बन गया छत्तीस बन गए सीधे सीधे चलो अब बताओ ये बताओ आप इसका आंसर बताओ सीडी डार्क गेमर कह रहा है सर लाइक करने की तो बताओ लाइक क्या बताऊं यार लाइक करते ही नहीं हैं है? कितना कहें <laughs> पिंकी जी अभी भी अड़तीस बता रहे हो कैसे बता रहे हो आप अड़तीस अड़तीस नहीं है ठीक है दो आप एक्स्ट्रा जो बढ़ा रहे हो अपनी तरफ से कौन से बढ़ा रहे हो वापस चेक करो एक बार सीताराम जाखड़ मैथ्स एजुकेशन फोर्टी सिक्स आ गया किरण जादव चालीस आ गया जोगेंद्र सिंह प्रजापति का फोर्टी सिक्स सिडी डार्क गेमर छत्तीस आ गया अभिषेक जाजड़ा का अड़तालीस आ गया मोहित कड़वा अड़तालीस आ गया विक्रम यादव चालीस आ गया मनोज चोलक का अड़तालीस आ गया सुनीता पचार अड़तालीस आ गया यार मेरा थानेदार एक बीच में से एक लाइन हटा दे तो वो थानेदार वो थानेदार जी इतनी देर हटा रहे थे हम ठीक है वो लाइने हटा हटा के देख चुके और आ जाएगी अभी सारी हटा देंगे चिंता मत करो आप मैंने पहले ही सेशन स्टार्ट करते ही कह दिया कि जो आप लाइव सेशन में जो चीजें कंटिन्यू हर एक लाइव सेशन में मिलती जाएगी ना वो ट्रिक्स तो सेम की सेम ही है लेकिन कंटेंट चेंज कर दूंगा क्वेश्चन आपको स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड ही करवाऊंगा देखो आप एक दो तीन चार पांच और छह छह का मतलब बारह एक दो तीन चार पांच और छह छ का मतलब बारह एक दो तीन चार पांच और छह छह का मतलब बारह 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 तो ये हो गए अब देखो दो दो के मिलने से क्या हुआ ये दो जब मिल गए तो इनके मिलने से देखो देखिए आडी लाइन है क्या आडी लाइन मिल रही है क्या दोनों की आडी लाइन मिल रही है मिल रही है तो चार अगर आडी लाइन नहीं मिलती है तो दो आडी लाइन मिल गई तो चार और वैसे ही इन दोनों के मिलने से ये वाले दो मिल गए इन दोनों के मिलने से आडी लाइन इनमें भी मिल रही है ठीक है मिल रही है तो यहां भी कितने चार ठीक है अब देखो क्या तीनों के मिलने से कोई ट्राइंगल बना क्या ऐसा कोई त्रिभुज है क्या देखो देखे ऐसा इस प्रकार का कोई त्रिभुज नहीं है तीनों में कोई त्रिभुज कॉमन नहीं है अरे तीनों में कॉमन होता तो ऐसा दिख जाता नहीं है ना तो कितने होंगे बारह बारह चौबीस बारह छत्तीस प्लस चार चालीस प्लस चार चालीस फोर्टी फोर होंगे बाबू गुजर बादल गुजर कंप्यूटर क्लास आज सर की तबीयत ठीक नहीं है सर बीमार है अभी कमेंट आया था ना ऑपरेटर साहब ने कमेंट डाल दिया था कि आज कंप्यूटर की क्लास नहीं होगी सर बीमार है 44 होंगे भाई कंफर्म है 44 बढ़िया सवाल गजब का क्वेश्चन चलिए बताइए फटाफट से आंसर क्या होगा बादल वर्मा चार अभी काउंट करके बताए थे ना कहां से आए लो इधर देखो बादल जी अगर सीधा सीधा नॉर्मल से नॉर्मल स्थिति भी समझ लो लो ऐसी स्थिति समझ लो आप ये दोनों लाइन है ना ये दोनों लाइन अगर मिल रही है तो इनके मिलने से अलग अलग तो समझ ही गए आप दोनों को मिलाने से कौन से चार बन रहे हैं वो बता देता हूं देखो एक तो ये बन गया दोनों आप दोनों के वर्गों से मिलने से एक ये बन गया और इस आडी लाइन से दो और बन गए देखो एक ही ये बन गया और एक ही ये बन गया हो गए चार अगर आडी लाइन आपस में मिलती है तो दो आकृतियों के मिलने से दो वर्गों के मिलने से चार आकृतियां चार त्रिभुज बनेंगे और अगर आडी लाइन नहीं मिलती है तो फिर दो त्रिभुजों के मिलने से दो वर्गों के मिलने से दो ही त्रिभुज बनेंगे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कितना छप्पन सत्तावन साठ अट्ठावन छप्पन सत्तावन अट्ठावन और साठ चार आंसर आ गए लक्ष्य कह रहा है सत्तावन कंफर्म है अच्छा चलो देखो अब समझ लो आप एक दो तीन चार पांच छह सात और आठ आठ का मतलब आठ दूड़ी सोलह वैसे ही यहां पर ये सेम ही है तीनों की तीनों ये तो तो 16 यहां होंगे और 16 यहां पे होंगे इसमें कोई समस्या है क्या अरे भाई सीधा सीधा बन गए 16 सोलह 48 हो गए ना अब आप ये देखो कि ये वाले दोनों जो वर्ग है ना इस लाइन पे मिल रहे तो इसके मिलने से और आडी लाइन भी इनको काट रही है मिला रही है तो कितने बन जाएंगे चार बन गए ऐसे ही ये वाली जो दोनों है इनमें भी आईडी लाइन आपस में मिल रही है तो इस वाली लाइन से कितने बन जाएंगे चार तो चार और चार हो गए आठ अड़तालीस और आठ हो गए छप्पन अब समझना? अब समझना है कि इन तीन, तीनों की तीनों आकृतियों के मिलने से कितने त्रिभुज और बनेंगे वो चीज और समझनी है ठीक है हाँ बिल्कुल कल होगी भाई अब यार ये अलग क्लासों की इंफॉर्मेशन देते देते टाइम निकल जाता है मेरा तो आधा हाँ, अब इनके मिलने से कितने बढ़ेंगे वो सोचो देखो कैसे पता लगता है तीनों आकृतियां ये हो गई ना पहले तो एक काम करो तीनों आकृतियों के टुकड़े देखो एक टुकड़ा दो टुकड़े तीन टुकड़े चार टुकड़े अरे तीनों का विकर्ण यही है ना कॉमन है कॉमन विकर्ण के टुकड़े समझ लो देखो तरीका बताता हूं अच्छे से चीज समझ में आ जाए कभी नहीं भूलो ऐसा तरीका बताता हूं पहले आप ये देखो चारों टुकड़ों के मिलने से कौन सा कौन सा त्रिभुज बन रहा है ये रहा बड़ा वाला साफ साफ दिख रहा है आपको बन गया ना तो सत्तावन नंबर ये बन गया बोलो समझ में आया कि नहीं आया चलो चारों के चारों पार्ट के चारों टुकड़ों के मिलने से एक त्रिभुज बन गया अब एक काम करो टुकड़े करो एक कम तीन टुकड़े यहां से तीसरा टुकड़े पे आ जाओ ये लो ये तीन टुकड़े यहां पूरे हो गए एक छोड़ दिया तो अब इस टुकड़े से कौन सा त्रिभुज बन रहा है देखो ये ऊपर ले जाओ इसको ये मिला दो बन गया त्रिभुज कितना अट्ठावन ये वाला त्रिभुज बन गया अट्ठावन अब एक काम करो ऊपर से तीन गिड़े ना आपने अब नीचे से तीन गिणो नीचे से तीन गिणो इधर से ये एक ये दो ये तीन हो गए तीन तो ये एक त्रिभुज कितने हो गए उनसाठ बढ़े कि नहीं बने समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है पूजा डॉक्कर नहीं आ रहा है नहीं आया सर अभी अभी आयो शायद पहला कमेंट पढ़ रहा हूं आपका ये कमेंटों पे बहुत ध्यान देता हूं मैं ठीक है अरे सीताराम जाकड़ साहब मैथ्स एजुकेशन सर गलत हो गया आपका त्रेसठ कहां से बना दिए देखो चारों को मिलाने से एक बन गया ऊपर वाले तीन को मिलाने से एक बन गया नीचे से तीन मिलाने पे एक बन गया हो गए गय? चार चार के बन गए तीन तीन के बन गए अब देखो दो के मिलने से कौन सा बन रहा है ठीक है दो के मिलने से कौन सा बन रहा है वो चीज और चेक कर लो दो ये रे बीच वाले ये दो और इन दोनों के मिलने से ये बन गया ये रहा दिख रहा है ना आपको तीनों में है देखो एक टुकड़ा यहां से उठाया एक इससे एक टुकड़ा यहां से तीनों के मिलने से ये बन गया एक तो ओवरऑल त्रिभुज कितने बन गए ओवरऑल इसमें त्रिभुज बन गए साठ गजब का सवाल था शानदार क्वेश्चन है तीनों को मिलाने से हा तीनों को मिलाने से है ना अच्छे से समझ में आ जाएगी राजेश शर्मा सर पीडीएफ की फुल फॉर्म बताओ के पीडीएफ की फुल फॉर्म यार भाई मैं तो नहीं बता सकता यार दादा हां अब इकसठ बता रहे हैं तिरसठ बता रहे हैं वो अरु बासठ बता रहे हैं वो दिमाग मत लगाओ भाई आपका कोई ना कोई डायग्राम कोई ना कोई ट्रायंगल रिपीट हो चुका है रिपीट हो गया कंफर्म साठ है एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है चिंता करने की जरूरत ही नहीं है समझ में आया कि नहीं आया ये दोस्तों आज आपका सेशन था अभिषेक जाजड़ा वापस समझ लो दिल कुछ से रावत अरे भाई साठ से ऊपर तो जाओ मैं तो दिमाग के बाहर निकाल दो एक चीज जो साठ से ऊपर जा रहे ठीक है ये छप्पन तो समझ में आ गया देखो सोलह इसके सोलह इसके सोलह इसके दोनों इन दोनों के मिलने से चार इन दोनों के मिलने से चार तो सोलह सत्ती अड़तालीस चार दुनी आठ अड़तालीस और आठ छप्पन अब समझना कौन सा है वापस पूरा डायग्राम मिटा देता हूं अगर समझना है तो पूरा मिटा देता हूं और मिटाकर फिर केवल इन तीनों को मिलाने से बता देता हूं देखो इसके चार टुकड़े कर रहा हूं एक पहला टुकड़ा दूसरा टुकड़ा विकर्ण के चार टुकड़े तीसरा और चौथा चारों के मिलने से एक ट्राइंगल देखो ये सीधा सीधा बढ़ गया ये बड़ा वाला बढ़ गया छप्पन तो यह है सत्तावन त्रिभुज यह हो गया अब देखो तीन टुकड़े करता हूं ऊपर से तीन ले लो ये एक दो और ये तीन तीन है तो इसको सीधा ऊपर ले जाओ और ये मिला दो ये लो ये अट्ठावन नंबर हो गया हो गया नीचे से तीन ले लो एक दो तीन ये लो इधर ले आओ और ये नीचे मिला दो ये कितना हो गया उठ नंबर चार चार के बना दिए तीन तीन के बना दिए तो अब दो दो का देख लो बीच वाले दो हैं ये रहे दो और इन दोनों को यहां मिला दिया तो एक ये बन गया ओवरऑल कितने त्रिभुज हो गए साठ समझ में आया कि नहीं आया क्लियर है कोई क्वेश्चन नहीं है ना चलिए ये सेशन था आज आपका लाइक like कर दो दोस्तों जिन्होंने लाइक like नहीं किया कल बात करते हैं इसी कंटेंट को आगे बढ़ाते हैं इसी लॉजिक को त्रिभुजों की गणना को आगे बढ़ाते हुए कल पहले तो इनके ऊपर क्वेश्चन करवाऊंगा जो आज पढ़ाया है और उसके बाद में चलेंगे आगे ठीक है तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद